हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं अरबीर सिंह। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में। तो साथियों, मॉर्निंग न्यूज़ में मैं आज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट खबरें लेकर आया हूं। सबसे पहले DSSB के बारे में, फिर KVS के बारे में, इसके बाद स्टडी से जुड़ी हुई एजुकेशनल न्यूज़ हैं काफ़ी। इसमें HTET से जुड़ी हुई खबर है। इसके बाद प्राइवेट स्कूलों में जो नर्सरी क्लासेज है, प्री नर्सरी क्लासेज है, वहाँ पे भी मुफ्त शिक्षा मिल सकती है। इसके बाद 2020 से 10वीं कक्षा में मैथ के दो विकल्प आ जाएंगे, आसान मैथ और कठिन मैथ। इसके बाद अगर आप हरियाणा से हैं तो 10वीं की जो परीक्षा है वो 7 से है, 12वीं की परीक्षा है 8 से है, मतलब 7 और 8 मार्च से। तो साथियों, इन खबरों के साथ मैं हूं हरबीर सिंह, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में। तो सबसे पहली खबर आ रही है CBSE से। तो CBSE में 2020 से 10वीं में आसान गणित का विकल्प मौजूद रहेगा। मींस अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा, जिनका मैथ वीक होता है, तो उनके लिए 2 सत्र का मैथ होगा, आसान और कठिन। आप कठिन नहीं बोल सकते, लेकिन जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आसान मैथ का विकल्प होगा। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छी बात है, जिनका मैथ वीक है तो वो नॉर्मल मैथ से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और 10th क्लास को आसानी से कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स आगे मैथ में कुछ करना चाहते हैं तो वो अपना मैथ एडवांस लेके चल सकते हैं। इसके बाद साथियों बात करते हैं HTET में गड़बड़ी पर दर्ज स्कूल संचालक के खिलाफ मुकदमा। तो HTET तो आपको पता होगा हरियाणा का टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो सोनीपत में गड़बड़ी का एक मामला देखा गया है। तो वो क्या है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सोनीपत के अंदर है स्कूल स्वस्तिक कॉन्वेंट स्कूल। तो इसमें साथियों क्या बताया गया है, जो इस स्कूल के संचालक है वो क्या है, कांग्रेस की महिला विंग की जिला ग्रामीण अध्यक्ष है सुदेश मलिक जी। तो इनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। मामला क्या है मैं आपको बता देता हूं। इनके खिलाफ मामला है कि जो एग्जाम हुआ था तो एग्जाम के अंदर जो सुपरवाइजर की ड्यूटी लगाई गई थी तो इन्होंने अपने करीबी की ड्यूटी लगाई है, वहां पे अपने करीबी की ड्यूटी लगाई है, सुपरवाइजर की जो ड्यूटी लगनी है। इसके बाद जो सीटिंग प्लान था वो भी मतलब बोर्ड के अकॉर्डिंग नहीं था और काफी ऐसी चीजें देखी गई हैं जो अनएक्सपेक्टेड हैं। और इसके बाद इन पर मतलब मामला दर्ज कर लिया गया है। तो अभी देखते हैं क्या हो सकता है। इसके बाद दूसरी खबर मैं आपको बता देता हूं। अगर आप हरियाणा से हैं तो 10वीं की परीक्षा और 12वीं की परीक्षा आ चुकी है। 10वीं की परीक्षा 7 मार्च से है, 12वीं की परीक्षा 8 मार्च से है, मतलब हरियाणा बोर्ड की जो परीक्षा है 10वीं की 7 मार्च से, 12वीं की 8 मार्च से। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा बोर्ड की जो मेन वेबसाइट है वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो साथियों इसके बाद और एक खबर आपको बता देता हूँ। निजी स्कूलों की प्री नर्सरी में खुल सकती है मुफ्त शिक्षा। तो साथियों अगर आप हरियाणा से हैं तो आपको एक अच्छी खबर बता देता हूं। प्राइवेट स्कूलों में 25% मतलब 25% एडमिशन फ्री दिए जाते हैं। हालांकि ये चीजें आपने देखी नहीं होंगी, प्राइवेट स्कूलों में एक प्रावधान होता है, एक रूल होता है कि 25% एडमिशन गरीबों के लिए फ्री होंगे। और साथ ही अगर आप इस चीज का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं तो जरूर लाभ उठाएं। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये चीजें अब प्राइमरी स्कूलों में जो प्री नर्सरी क्लासेस हैं उनमें भी लागू होने वाली हैं। पहले ये प्री नर्सरी क्लासेस थी उनमें लागू नहीं थी। तो प्राइवेट स्कूलों में 25% मतलब 100 में से 25 बच्चे फ्री पढ़ेंगे। और हरियाणा के अंदर क्या है कि 7200 मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल है, तो उनमें अब ये चीजें लागू हो सकती है। इसके बाद साथियों बात करते हैं DSSB MCD के बारे में। आप जरूर इस खबर का वेट कर रहे होंगे। कल एक रिजल्ट आया था EVGC का, जो 4 जनवरी का रिजल्ट था, जो DSSB ने 11 तारीख को डाला था। इसके बाद
उसमें कुछ ऐसी कमियां बताई जा रही हैं। कुछ कैंडिडेट्स के मेरे पास कमेंट आए थे, हालांकि उनकी पूरी सच्चाई मुझे पता नहीं चल पाई। तो उन्होंने कहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पीएच में कोई कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं है जो कंडीशन पूरी कर पाया हो, लेकिन एक कैंडिडेट का कमेंट आया था कि मेरे मार्क्स 125 हैं और मेरा इसमें नाम नहीं है पीएच में। तो साथियों, हो सकता है साथियों कि डीएसएसबी ने ऐसा कुछ कर दिया हो कि वो कैंडिडेट क्वालिफाइड है लेकिन उसका नाम नहीं आया हो। इस विषय की ज्यादा जानकारी के लिए उस कैंडिडेट से बात की जाएगी, हालांकि हमने संपर्क बनाने की कोशिश की। तो साथियों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर आपने डीएसएसबी का, एमसीडी का, डीओई का कोई एग्जाम दिया तो आप लॉगिन आईडी से लॉगिन करते रहे, हो सकता है कि आपका रिजल्ट आ जाए और आपको पता भी ना चले। जैसा कि कल मैंने एक मामला बताया था कि 4/1/2019 का रिजल्ट 11 तारीख को आया था, मतलब आया हुआ रिजल्ट नोटिस बना के रख रखा था, वो 11 तारीख को अपलोड हुआ है और कैंडिडेट्स के पास मैसेज आ चुके थे कि ई डोजियर सबमिट करें। और कुछ कैंडिडेट्स के कल मैसेज आए थे कि ई डोजियर क्या होता है। तो साथियों, ये ई डोजियर ऐसा होता है कि आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, वेरिफिकेशन के लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं वहां पे, सेल्फ अटेस्टेड। तो इसके बाद बात करते हैं केवीएस की। तो केवीएस की जो आंसर की आई थी काफी अनएक्सपेक्टेड थी, इसके लिए मैंने ऑनलाइन सर्वे कराया कि कट ऑफ क्या जा सकती है। हालांकि आइडिया ये लगाया जा रहा है कि कट ऑफ जनरल की 90 प्लस जा सकती है और इससे कुछ ज्यादा नहीं होगी, 90 के अराउंड ही कट ऑफ रहने का आइडिया लगाया जा रहा है। तो साथियों, और ज्यादा जानकारी के लिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें ऑनलाइन वोटिंग हो रही है, तो आप जरूर उसमें ऑनलाइन वोट करें जिससे एक्चुअल चीजें निकल के सामने आए। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।